नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 18वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्राइम इंटेलिजेंस फोर्स के चेयरमैन निदेशक के द्वारा प्रधान कार्यालय मूरतगंज में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में टीम पदाधिकारियों द्वारा सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इसी क्रम में दीपक कुमार वर्मा संगठन सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन दिया गया। साथ ही समाज एवं देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा पूर्वक कार्य करने हेतु निर्देशित भी किया गया। चेयरमैन निदेशक आनंद कुमार त्रिपाठी द्वारा समस्त देशवासियों को शुभकामना संदेश देते हुए एवं सभी को संबोधित करते हुए राष्ट्र ध्वज को नमन किया। राष्ट्र के कल्याण के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। देश के विकास, सुरक्षा एवं देशवासियों के कल्याण के प्रति हमेशा समर्पित रहने की प्रतिज्ञा लेते हुए सभी टीम के सदस्यों को धन्यवाद व्यक्त किया। उपस्थिति पदाधिकारी अजमद अली, संदीप सिंह, आकाश केशरवानी, आकाश प्रसाद, कृष्णा कुमार, जितेंद्र कुमार, प्रियांशु सोनी, संत लाल, सर्वेंद्र कुमार, मनीष कुमार, रतन कुमार, राजकुमार साहू, शुभलाल आदि लोग उपस्थित रहे। बहुत बहुत पार्टी में यहाँ पे हमारे बीच पोस्टल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड नाम असर जी है। उन्होंने एक गरीब डिपार्टमेंट ईमानदारी और के साथ इन्होंने अपना पालन किया है। हम इन्हें सम्मानित करने हेतु यहाँ पे बुलाया गया। हमारे बीच अतिथि के रूप में पार्षद जी उपस्थित है। सम्मान इनके हम लोग इस्लाम असलम जी को सम्मानित किया जाएगा सर्वप्रथम, उसके बाद वो दान करेंगे। तो पंडित सम्मानित